हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू के पराठे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़े से टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, गारंटी है आज के बाद आपके आलू पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और आप हर रोज़ नाश्ते में आलू के पराठे ही बनाना पसंद करेंगे। तो इन सर्दियों में आलू के पराठे को इंजॉय कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हम बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे कम से कम 1.5 कटोरी आटा। क्वांटिटी दो लोगों के लिए, इस इतने आटे में कम से कम 5 से 6 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आटा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक और फिर 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। तो अब हम इसमें सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो हमारा ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं डो हमारा एकदम रेडी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे डो हमारा हमारे हाथों में चिपके नहीं, और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट करने देंगे जिससे पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हों। फ्रेंड्स, जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है, चलिए फटाफट इसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है करीब 7 से 8 बॉयल और छीला हुआ आलू, और इसे हम हाथ से मैश कर लेंगे। आलू हाथ से तभी मैश होगा अच्छे से जब आलू गर्म रहेगा। अगर आपकी आलू ठंडी हो गई तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए। और अच्छे से आप देख सकते हैं आलू हमारा बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है। आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे फट सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे खूब सारी धनिया और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च का टेस्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच शिमला कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला, टेस्ट अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। इससे हमारे पराठों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इस रिफाइंड ऑयल डालने से आलू हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं। तो अब इन सभी चीज़ों को चम्मच से या फिर हाथ की हेल्प से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है। डो और स्टफिंग दोनों ही हमारी रेडी हो गई। तो चलिए फटाफट हम पराठा बना लेते हैं। इसके लिए हम एक डो बॉल लेंगे। डो बॉल थोड़ा बड़ा साइज़ में लेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग पराठा बनाना है। अब इसे हम हाथ से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, फिर उसका जैसे कटोरी का शेप देते हुए हम इसे कटोरी का शेप हाथों से दे देंगे। फिर उसमें हम स्टफिंग को भरेंगे। स्टफिंग भरने में हम यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके स्टफिंग को हम अंदर फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी स्टफिंग भर गई है। अब इसे हम थोड़ा सा फ्लैट करके सूखे आटे में लगा करके और फिर हाथ की हेल्प से हल्के हाथों से जितना प्रेस हो सकता है हम इसे प्रेस करेंगे। इससे स्टफिंग हमारी हर एक पराठे के कोने कोने में अच्छे से फिल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेल लेंगे। यही हमारी आज की ट्रिप और ट्रिक्स है कि हम पराठों को हल्के हाथों से ही बेलेंगे। तो अब चलिए फटाफट, तवा भी हमारा गर्म हो गया है। तवा हमारा एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म है। तो चलिए फटाफट इसमें हम पराठे को डालेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही पराठा हमारा वन साइड से कुक हो जाएगा, हम दूसरे साइड पर इसे पलट करके दोनों साइड से हम अलट पलट के हल्का कलर आने तक इसे हम सेक लेंगे। तो पराठों को सेकते वक्त फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। जैसे ही वन साइड से ये सेक जाएगा, इसमें हम रिफाइन ऑयल या फिर सरसों का तेल लगा करके इसे वन साइड से सेक लेंगे। फिर पलट कर हम दूसरे साइड से भी रिफाइन ऑयल को लगा देंगे। अब इसे हम हल्का गोल्डन कलर आने तक पराठों को दोनों साइड से अलट पलट कर अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। लो फ्लेम पे या फिर हाई फ्लेम पे पराठों को हम नहीं सेकेंगे, जिससे हमारे पराठे लो फ्लेम पे कड़े हो जाएंगे और हाई फ्लेम पे पराठे जल जाएंगे। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे सेक लें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे पराठे अच्छे से दोनों साइड से कुक हो गए हैं। कितना अच्छा कलर आया हुआ है पराठों में हमारे।
तो बस अब हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट पराठा बनकर रेडी हुआ। चलिए इसे फटाफट हम प्लेट में निकालेंगे और इसी प्रोसेस से हम बाकी के बचे हुए पराठों को भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आज के हमारे टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और रोज़ नाश्ते में आलू के पराठे को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।